देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। सहारनपुर में डेंगू बुखार का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले करीब एक दशक में बुखार से सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस बार डेंगू का अटैक इलाके में भयंकर है। सरकारी आंकड़ों में तो केवल 217 मरीजों को डेंगू दिखाया गया है, जबकि असलियत कुछ और ही है। असलियत में तो ये आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा हैं। जिला प्रशासन के डर से प्राइवेट डॉक्टर भी सही आंकड़े बताने को तैयार नहीं है। जिले में जो डेंगू के केस आए हैं वो 217 आए हैं, लेकिन डेंगू से किसी की भी डेथ नहीं हुई है जिले में। तो अभी फिलहाल में कितने मरीज होंगे जो अस्पताल में? अब ये 20 तारीख तक हमारे जो देखे गए जो मरीजों की संख्या है वो जो ज्वर के मरीज आए हैं वो 7271 और उनकी सबकी लगभग सभी की खून पट्टिकाएँ बनी हैं, रक्त पट्टिकाएँ 6059 की, और एंटी लार्वा का हमने छिड़काव करवाया है। और जो कुल घरों को सर्वेक्षण किया गया है उनके हैं 96457। तो पूरे वर्ष की बता सकते हैं आप इस वर्ष में कितने डेंगू के मरीज आए हैं? ये डेंगू के मरीज वर्ष का तो पूरा नहीं, जो ये अभी कुछ ही समय से ये चालू हुआ था उसमें जो हमारे पास टोटल आए हैं 13-8 से लेके 20-11 तक, उसमें 217 मरीज आए हैं। और डेंगू से बचने के लिए क्या कुछ उपाय किया गया? डेंगू से बचने के लिए हमने एंटी लार्वा का छिड़काव करवाया, फॉगिंग कराई, और पायरेथ्रम जो होता है उसका छिड़काव कराया, लोगों को सलाह दी कि वो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, और स्कूलों में जैसे बच्चे स्कर्ट पहनते हैं उनको कहा गया कि पूरी स्टॉकिंग पहने, पूरा नीचे तक पूरा कवर करें। आपको बता दें कि डेंगू को लेकर एक भ्रम है कि इसके सभी मामले एक जैसे होते हैं और सभी का इलाज भी एक जैसा होता है, जबकि असल में फैक्ट यह है कि डेंगू दो श्रेणियों डेंगू बुखार और गंभीर डेंगू में बांटा जा सकता है। हम में से ही कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर एक बार डेंगू हो गया तो दोबारा कभी नहीं होगा। दरअसल डेंगू बीमारी 4 किस्म की होती है। एक किस्म का डेंगू दोबारा नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरी किस्म का डेंगू हो सकता है। डेंगू से जुड़ी एक और गलतफहमी यह है कि इसे फैलाने वाले मच्छर सिर्फ दिन में ही काटते हैं, लेकिन सच ये है कि ये मच्छर दिन में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये शाम या रात में व्यक्ति को नहीं काट सकते। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज के साथ यूपी तक।